देश की संसद को बने हुए दशक हो गए हैं, जिसके बाद अब नई संसद मिली तो वहीं इसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि नई विधानसभा 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक यूपी विधानसभा को भी 100 साल पूरे हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि नई यूपी विधानसभा में खर्चा करीब 3,000 करोड़ रुपए का बैठेगा। आइए जानते हैं इस बारे में और क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बने नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश को भी नई विधानसभा बिल्डिंग की सौगात मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी जा सकती है और 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य भी कंप्लीट हो सकता है। मौजूदा विधानसभा की बिल्डिंग को करीब 100 साल हो जाएंगे। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में अब नई विधानसभा बनाएगी और दिसंबर के महीने में इसकी आधारशिला रखने की बात कही है। सरकार 25 दिसंबर 2023 को यानी इसी साल के आखिरी में अटल जी के जन्मदिन पर पीएम मोदी से इसका शिलान्यास कराना चाहती है। मौजूदा विधानसभा में जगह भी कम है और भविष्य में सदस्यों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए नए विधानसभा की जरूरत महसूस हो रही है, जिसके लिए अब इसकी आधारशिला रखी जा सकती है। यूपी में वर्तमान विधान भवन भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए छोटा हो सकता है। विधान भवन में सदस्यों को बैठने के लिए पहले से ही जगह कम पड़ती है। मौजूदा भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था, लेकिन अब जनसंख्या के हिसाब से हालात काफी बदल गए हैं। सेंट्रल विस्टा की तरह नया विधान भवन भी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट तकनीक से लैस होने वाला है। इस भवन का निर्माण भी आधार पर होगा कि यूपी की संस्कृति की झलक मिले और पूरे देश में ये मिसाल कायम हो सके। तो वहीं बताया जा रहा है कि यूपी के नए विधानसभा भवन को पूरी तरह भूकंप रोधी और इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जाएगा। तय लक्ष्य के अनुसार 2027 में जब नए विधान भवन का निर्माण पूरा होगा तो तब पुरानी विधानसभा को बने हुए 100 साल पूरे होने को होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया है और मंगलवार को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नई संसद में कामकाज का पहला दिन था। नई संसद भी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही अब बात करें यूपी विधानसभा की तो इसको लेकर जो मौजूदा विधानसभा है एक और समस्या नजर आती है कि मौजूदा विधानसभा की बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है और ये लखनऊ के हजरतगंज में बनी है। जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो जाम की प्रॉब्लम होती है, रूट डाइवर्ट किए जाते हैं और आम जन को जाम से जूझना पड़ता है। भविष्य में सदस्यों की संख्या और जरूरतों को देखते हुए नई विधानसभा बनाने की तैयारी की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।